जबलपुर के गोरखपुर तहसील के एसडीएम को भ्रष्टाचार में नंबर वन बताने वाले पोस्टर इन दिनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। गोरखपुर और आसपास के चौराहों पर लगे पोस्टर में एसडीएम गोरखपुर को ईमानदार रिश्वतखोर चोर बताया गया है। जबलपुर के चौराहों और मुख्य सड़कों की दीवार पर लगे इन पोस्टरों में गोरखपुर एसडीएम पंकज मिश्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही गोरखपुर तहसील को भ्रष्टाचारियों का अड्डा करार दिया गया है। पोस्टर में सबसे ऊपर टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति दिखाया गया है। पोस्टर में एसडीएम गोरखपुर के आगे लाल अक्षरों से ईमानदार और काले अक्षरों से रिश्वतखोर चोर लिखा हुआ है। शहर में संभवतः पहली बार एसडीएम स्तर के किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इस तरह के पोस्टर लगे हैं। देखिए, गंभीर मसला तब होता जबकि उसमें शिकायतों का जिक्र होता है या कोई व्यक्ति सामने आके शिकायत करता है। बेसिकली इस तरह की हरकतें जो करते हैं वो किसी व्यक्ति की इमेज खराब करने के हिसाब से करते हैं। और सामान्य तौर पर मेरा जो अनुभव है वो ये है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम के लिए किसी अधिकारी को प्रेशराइज करते हो और जब अधिकारी वो काम नहीं करता तो फिर आप इस तरीके से हरकत करते हो, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हो। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यदि एसडीएम के बारे में किसी को शिकायत है, कोई गलत काम को लेके है, कोई करप्शन को लेके शिकायत है, वो बिल्कुल बिना बह के जो है शिकायत की मेरे को शिकायत वो कर सकते हैं और यदि जो सही होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।